विकास के मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब विकास में मैंने अब तो विकास का मुझे मालूम नहीं क्योंकि इस डिपार्टमेंट में से बहुत दूर हूँ। एक्टिंग के बारे में पूछ लो, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ। बहुत से लोग मतदान नहीं करते हैं, घूमने निकल जाते हैं, उनसे क्या अपील करेंगे उनसे? बहुत से लोग मतदान नहीं करते, बाहर निकल जाते घूमने। That's nonsense। उनसे अब उनका इलाज तो कोई करने वाला ही करेगा। अगर मैं पुलिस में होता या पुलिस तो मैं तो यही ना। चले प्लीज चले चले मोटरों से। अच्छा यार बात हो गया अभी तो। धर्मेंद्र से सवाल पूछा गया, बाकी लोग जो वोटिंग करने नहीं निकलते हैं, उन्होंने हालांकि वोट और विकास पर कहा कि मेरी एक्टिंग के बारे में। हेमा मालिनी को आप देख रहे हैं, मथुरा से बीजेपी के फिर से उम्मीदवार है और सब परिवार वो लेकिन सब मंद मंद मुस्का रहे हैं। इससे बड़ा उत्सव और क्या होगा लोकतंत्र का? सात इलेक्शन है कई जगह पर। हाँ, क्या क्या चाहते हैं? हमारे इलेक्शन भी है। हम बोलना चाहते हैं, ऐ मेरे भारत, भारत बदल रहा है और इस बदलाव के कारण है आप। बस राष्ट्र हित में ऐसे ही जुटे रहिए, वोट करते रहिए। कैलाश खेर इस वक्त हमारे साथ है। तो कैलाश खेर को आप सुन रहे थे, हेमा मालिनी की तस्वीरें आई, वो वोट डालने के लिए पहुंची हुई है, उसके सीधा उनकी आवाज आ गई। कैलाश खेर नए भारत की बात कर रहे हैं, बदलते भारत की बात कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं वोटर्स को कि जरूर निकलिए वोट डालने के लिए। ऋत्विक जल्दी से, रामदास आठवले पहुंचे हैं क्या? बात कीजिए उनसे, अगर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। फॅमिली होऊ दे। हा, त्या साईडला होते, त्या साईडला होते, त्या साईडला होते। जो असली नकली पर है वो कहाँ पहुंची हुई है? आरपीआई भी एनडीए में है। खाली 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 माइक घ्या, खाली। रामदास आठवले की पार्टी। तुमच्या मुलाने पहिल्यांदा हक्का बजावलेला। साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, आव्हान कराल? हा, तर आज मुंबईमध्ये आणि सबर्बनमध्ये 13 जागांवरती आज वोटिंग होत आहे। जो जो जिसको जो वर्थ है उसे जिताना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ जो सब गरीबों का सबका सहायता करे, सबको अच्छा करे, उसे जिताए। बॉलीवुड अब राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है, बॉलीवुड और राजनीति अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में है। भैया, मैं बॉलीवुड से हूँ, राजनीति से मुझे लेना देना नहीं है। बस जय श्री राम। ये सुनीता है, गोविंदा की पत्नी है सुनीता, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि जो गरीबों का विकास करे और उसके लिए वोट डालना चाहिए। धर्मेंद्र की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बात महाराष्ट्र की हो रही थी, तो आपको जल्दी जल्दी बता दें, महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी। महायुति में कौन कौन? जब नॉर्थ मुंबई में विजय गोयल, माफ कीजिएगा, जब पीयूष गोयल कैंपेन ट्रेल कर रही थी, पांच पार्टियों का झंडा उनके आगे, आरपीआई, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, अजीत पवार घड़ी जो अजीत पवार का एनसीपी है, बीजेपी का, तो कुल मिलाकर ये, और एमएनएस भी, तो पांच पार्टियों के झंडे उनके आगे। वैसे ही महाविकास अघाड़ी में आप जाए तो शरद पवार गुट, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस पार्टी, अब सलमान खान भी पहुंचे हैं अपना वोट डालने के लिए। मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक, लेकिन उसमें भी मुंबई इस पृथ्वी से सबसे निराला जगह है। क्यों है मेरे भाई? खुद मत बोलो, अभी हमें बोल रहा है, बोलने को बोला है तो सुनो। मुंबई इस पृथ्वी से निराला इसलिए शहर है कि देखिए कितनी लाइनें लगे, कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं लेकिन मंद मंद मुस्का रहे हैं। ये है मेरा मुंबई और ये है मेरा भारत। लोकतंत्र के उत्सव को पूरा विश्व देख रहा है, भारत से अधिक, भारतवासियों से अधिक कोई मनाना जानता नहीं। अब मेरी एक ही अपील है राष्ट्रहित के लिए, ऐ मेरे भारतवासियों, अगर अब जाग गए हो तो बस मरना मत, बहुत मर मर के जिए हो, ऐसा जीना अब... कैलाश खेर को आप सुन रहे थे जो वोटिंग की बात कर रहे हैं।